हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज का वीडियो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है और आप देख ही रहे होंगे, ये वीडियो ना अर्ली मॉर्निंग का है। और बस मुझे छोले यहाँ पे पकाने के लिए रख देना है, तो सुबह सुबह मैंने सोचा जल्दी से मैं आज काम शुरू कर दूँ। और यहाँ पे मैं बॉयल होने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसे चढ़ा दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी आएगी, तो वही मैंने सोचा कि पहले चाय पी ले, तब तक ये जो छोले हैं ना वो पक जाएंगे। और आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है, मतलब सुबह से इसलिए जल्दी उठना पड़ा। और आज है हमारे यहाँ पुआ का त्यौहार। पुआ मतलब जो पुआ खाते ना, उसका हमारे यहाँ त्यौहार होता है। तो यहाँ पे मम्मी बनाने लगी है पुआ, और पुआ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ। कि हमारे यहाँ जो पुआ का त्यौहार होता है ना, तो आप देख रहे हो ना, एक पुआ इतना वेटेड होता है। आप देख रहे हो ना, ये एक पुआ 1.25 किलो का बनता है, और जितने घर पे मेंबर होते हैं ना, उन्हें काउंट करके उतने ही पुआ बनाने पड़ते हैं। और एक पुआ जो है वो नदी का बनता है, मतलब नदी में डालना होता है। और आप देख रहे हो ना कितना वेटेड है, कि मम्मी को दोनों हाथों से उठाना पड़ा है। और आप समझ ही सकते हो, क्योंकि ये 1.25 किलो का एक पुआ बनता है, तो बहुत ज़्यादा वेटेड होता है। और देखो, चिमटे से मम्मी को पलटना पड़ा है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम है। तो बस ऐसा ही है। और इसे हम लोग खाने ना नदी जा मतलब नदी में जाते हैं, जो हमारे यहाँ नदी है, तो उसी के किनारे सारी जितनी भी गांव की लड़कियां हैं वो जाती हैं और नदी के किनारे बैठ के खाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। और जो नदी में डालना होता है ना, तो हम उसे क्या करते हैं, जो वहाँ के आसपास के बच्चे होते हैं ना, उन्हें दे देते हैं। तो नदी में डालने से अच्छा है किसी को दो जिसके काम आए। और इतना वेटेड होता है ना, इतना भारी है कि इसे घर के सारे लोग बैठ के ना खा सकते हैं। तो बस कई लोग नदी में डाल देते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि किसी बच्चे को दो, किसी ऐसे इंसान को दो जो जो खाए और खुश हो जाए। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे बनाने लगे हैं पूड़ियाँ। तो आप देख रहे हो पूड़ी भी बनने लगी है। और मतलब त्यौहार है ना, तो वैसा ही खाना बनेगा। छोले भी बनने हैं, पूड़ी भी बननी है, पुलाव बनेगा और सूखी सब्जी बनेगी। तो फिर पूड़ी यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे बना लेते हैं, बाकी का सारा खाना जो है वो गैस में बनेगा। तो पूड़ियाँ भी हमारी बन गई हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ छोला। तो छोले के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है प्याज और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। और आप देख रहे हो छोले मेरे बहुत अच्छे से कुक हो गए थे, तो अभी मैंने इन्हें निकाल लिया है बर्तन में। और इधर मैं इस सारी चीज़ों का ना पेस्ट बना लूँगी, और एक साथ इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाऊँगी मैं। टमाटर अलग में पीस लूँगी। तो उसके बाद अभी चलते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं और बाकी की सारी तैयारियाँ आपको दिखाते हैं कि मैं अपना छोला कैसे बनाती हूँ। तो आप देख रहे हो, और इसका मैं सोच रही हूँ ना कि वो जो डोसे के साथ चटनी बनाते हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसका सोच रही हूँ कि वही जो सांभर के साथ में चटनी होती है ना डोसे वाली, वो बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे ये सारे टमाटर और वो सारी चीज़ें मैंने अलग से निकाल के रख लिया था। इधर मेरा पेस्ट भी पिस गया है, तो वही मैं सोच रही थी कि अगर मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं वही डोसे वाली चटनी बनाऊंगी। हो सकता है मैं बनाऊं अगर टाइम मिले तो। इधर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ। और तड़के के लिए मैं यहाँ पे प्याज, दो प्याज काट रही हूँ। तो आप देख रहे हो ना, काफ़ी बारीक नहीं काटना है, बड़े बड़े काट लेना है, क्योंकि वो पक जाएंगे और ज़्यादा गोल्डन फ्राई करेंगे ना तो पक ही जाते हैं। और इधर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले तेल में कुछ खड़े मसाले और गरम मसाले, यानी कि तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची, दो इलायची और काली मिर्च, लौंग, तेज़ पत्ता और दालचीनी, एंड लास्ट में मैं यहाँ पे जीरा डालूँगी। तो छोले बन रहे हैं ना, इसलिए गरम मसाले, थोड़ा सा हार्ड मसाले ज़्यादा जाते हैं। गरम मसाला तो पाउडर तो जाएगा ही, और इसके साथ में ये खड़े मसाले तो जाते ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है छोले में जब काफ़ी हार्ड मसाले डाल के बनाओ, तो काफ़ी टेस्टी जो है हमारा छोला बनता है। तो अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज। प्याज जब अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसे भून रही हूँ, गोल्डन फ्राई होने तक पकाना है। और प्याज को ना गोल्डन फ्राई करना है। तो आप देख रहे हो, इधर मैं इसका पेस्ट भी यहाँ पे डाल दूँगी। और प्याज मेरा आधा पक गया था, तो मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट भी डाल दिया है। और पेस्ट को भी भूनना है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पेस्ट जब बन जाता है प्याज का, तो वो इतने ईजली तरीके से नहीं कुक हो पाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत जल्दी नहीं पकता है। तो थोड़ा सा पकाएंगे इसे काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा पेस्ट था ना मेरे पास टमाटर का, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और छोले बहुत टेस्टी बनते हैं, जब भी आप थोड़ा सा दिल के साथ, दिल से बनाओगे ना, तो छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है मसाले, हल्दी पाउडर और
धनिया पाउडर, उसके बाद मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मसाले भी भूनने ज़रूरी होते हैं, तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आप देख रहे हो ना, तेल छोड़ने लगा है मसालों को, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। जब भी आपके मसाले जो है ना तेल छोड़ने लगेगा, तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि मैं चाहती थी ना कि जो सारी चीज़ें वो अपने आप पके, मैं उन्हें जल्दबाजी में नहीं पकाना चाहती हूँ। क्योंकि छोले हैं ना, तो छोलों में अच्छे से फ्लेवर आना सारे मसालों का बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने अभी यहाँ पे छोले अपने ऐड कर दिए हैं, और मैंने पानी डाल दिया है, और मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था, मैंने यहाँ पे क्रीम डाला था, क्रीम दिखाना मैं भूल गई थी। मतलब वो वीडियो ही मेरे से गलती से डिलीट हो गया, तो आपने देखा छोला और पानी कुछ भी मैं नहीं दिखा पाई डालते हुए, तो मैंने यहाँ पे डाला था। गरम मसाला लास्ट में मैंने डाला था यहाँ पे, और वो सारा वीडियो जो है ना वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया है। और अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जो ड्राई आलू होता है ना उसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, हरी मिर्च, हल्दी और नमक। उसके साथ उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉयल आलू अपने डाल दिए हैं, इन्हें मैं गोल्डन होने तक पकाऊंगी। और यहाँ पे मैं आधा नींबू भी निचोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा और तीखा है। और आप देख रहे हो ना, आलू बहुत अच्छे से भुन गई हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोले, बहुत अच्छा कलर आया था, और खाने में भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी इसकी थी। तो मैं वो जैसे छोले भटूरे के साथ में वो जो सूखी वाली आलू की सब्ज़ी नहीं बनती, मैं चाहती थी कि मैं वैसी ही सब्ज़ी बनाऊं, तो इसलिए मैंने ये आलू की सब्ज़ी बनाई। और अब लास्ट में मुझे बनाना है ये पुलाव, तो मैंने यहाँ पे मटर पुलाव बनाया है, और आप देख सकते हो। बस इसके बाद मेरा खाना पूरा डन हो गया है, मतलब लंच मेरा तैयार हो गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।